वेलकम बैक टू आरोही सैनी ब्लॉग्स। आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और हेल्थी एंड हैप्पी होंगे। सो गाइज, आज का जो व्लॉग, आज है थर्सडे और आज है मेरा फास्ट। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ, कैसा मेरा डे जाता है। सो मैं नहा ली, मैंने बाथ ले लिया है और येलो कलर के कपड़े भी पहन लिए हैं, जो हमेशा थर्सडे को पहनते ही हैं। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं पूजा करने। चलो आप भी मेरे साथ चलो पूजा करके, फिर हम पूजा की थाली मैंने कर ली है रेडी। देखो सारी चीज़ें मैंने रख ली है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। अस्थमा की वजह से उनकी तबीयत कभी भी ख़राब हो जाती है, तो आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, उनका खल्ला थोड़ा बंद सा हो गया है और साथ साथ खांसी भी हो रही है, तो भाप ले रही है। ठीक है, और मैं अभी पापा का खाना देख कर रही हूँ पापा की शॉप पे। खाना देने के बाद जस्ट बस अभी घर आई हूँ और बस अब खाना बना देख मैंने बनाया, मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या बनाया आज। ये है, मैंने आज बनाया है आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। मैं तो आज खा नहीं पाऊँगी बट मम्मा के लिए, भाई पापा के लिए बनाया है, सो मैं मम्मा से मिलवाती हूँ आपको। ये है मेरी मम्मा। मम्मा हाय करो। तबीयत ठीक नहीं है मम्मा की, तो मम्मा ऐसे ही बैठी है आज। सो खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। आज देखो फास्ट हो रही है, लोग क्या खा रहे हैं मेरे सामने, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही ना इन लोगों को। बैग बस मैं थोड़ा देर सो गई थी, अभी बजे हैं 4:30 और बस मम्मा मैं चाय पी रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। पीती हूँ कप में, मम्मा पीती है ग्लास में, सो हम पी लेते हैं अभी चाय, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं जस्ट ऊपर आई हूँ, देखो भाभी क्या देख रही है, ये देख रही है भाभी। भाभी क्या देख रहे हो, हाथ उठाओ मुँह पे से, भाभी शर्मा रही है। चलो मैं आपको दूसरे कमरे में लेकर चलती हूँ, वहाँ क्या हो रहा है। सी यहाँ पे ही अपना फोन चला रही है, सब मतलब अपनी दुनिया में, कोई सब व्यस्त है, सब बिजी है, किसी को फुर्सत नहीं है, यही आजकल की लाइफ का। इनको कौन आया हमारे घर में जानते हो आप, इनको जानते हो? गाइस शाम की पूजा हो चुकी है मेरी डन, सो अभी मैं बनाऊंगी फास्ट का खाना, दिखाती हूँ मैं आपको ने क्या बनाया है। मेरा फास्ट का खाना मैंने बना लिए, ये है परांठे, हल्दी डाल के मैंने बनाया है, और ये है दही जिसमें मैंने हल्का सा हल्दी मिलाया है क्योंकि वाइट चीज़ नहीं खाते, बट इसमें दिख नहीं रही होगी आपको। सो चीनी, ये जो दही है ये मीठी है, इसमें मैंने चीनी डाली है। सो मैं अपना फास्ट खोल लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। गाइज ये है मेरा भाई जो कि हमेशा सड़ा हुआ रहता है, मतलब इसको कोई ज़िंदगी से किसी से लेना देना नहीं है। ये मम्मा है, मम्मा बैठी हुई है, मम्मा खा रही है, मम्मा अदरक और शहद मतलब थोड़ा चाट रही है जिससे उनके गले में राहत मिल जाए, देसी नुस्खा। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बहुत ज़्यादा प्यार करते रहो, हमेशा खुश रहो। मैं आ गई हूँ अपने बेड पे और आज बहुत टायर्ड हो गई हूँ, जस्ट बिकॉज फास्ट भी था और घर का सारा काम भी करना पड़ा। सबने खाना खा लिया है, मम्मा का थोड़ा तबीयत का इशू है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मम्मा के गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो सबने खाना खा लिया। मम्मा के लिए खिचड़ी बनाई थी मैंने, क्योंकि रोटी खाएंगी तो उनको दिक्कत होती है, इसलिए खिचड़ी बनाई थी। बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश कर लिया, सारा काम फिनिश कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ बेड पे, अपना ड्रेस वगैरह सब चेंज कर लिया है मैंने। सो अब मैं ये भी ब्लॉग अपना एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक टिल देन गुड बाय।